उदयपुर के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर नामक स्थान के ऊपर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है बप्पा रावल, बी है गुहिल, सी है शिलादित्य और डी है शालीवाहन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बप्पा रावल। बप्पा रावल के द्वारा उदयपुर में कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और बप्पा रावल ने ये किसके आशीर्वाद से या फिर किसके कहने पर करवाया था? अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से करवाया था, ठीक है। किंतु ये जो बप्पा रावल है ये इनकी उपाधि मानी जाती है, इनका रियल नेम नहीं माना जाता, ठीक है। और जो बप्पा रावल है मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी और कर्नल जेम्स टोड ने। मोहनोत नैनसी और कर्नल जेम्स टोड ने है जो बप्पा रावल की ये उपाधि बताई है। बप्पा रावल का रियल नाम क्या बताया है इन्होंने? कालभोज बताया है, ओके। इनका रियल नाम क्या बताया गया है? कालभोज बताया गया है। किंतु रणकपुर प्रशस्ति के अंदर कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। तो जो मोहनोत नैनसी और कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने बप्पा रावल का रियल नेम क्या बताया है? कालभोज बताया है, जिसका लेकिन रणकपुर प्रशस्ति के अंदर कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और कालभोज का आहटपुर जो अभिलेख है इसके अंदर कालभोज का किसके सम्मान बताया? कालभोज को सूर्य के सम्मान बताया गया है, ओके। कालभोज का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो क्या बताया गया है? इसे सूर्य के सम्मान बताया गया है, किसमें? आहटपुर अभिलेख के अंदर। और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, ठीक है। फिर जो बप्पा रावल के जो गुरु थे, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? हरित ऋषि। इन्होंने ही इसको ये उपाधि दी थी। बप्पा रावल की उपाधि है वो हरित ऋषि, इनके गुरु के द्वारा दी गई थी। इनके गुरु हरित ऋषि ने इन्हें मेवाड़ विजय के उपलक्ष में बप्पा रावल की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? हरित ऋषि के द्वारा बप्पा रावल की उपाधि इसको दी गई है। किसके उपलक्ष में? मेवाड़ विजय के उपलक्ष में। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने क्या है उदयपुर के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर क्या है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था।